तो जबलपुर का रुख कर लेते हैं, जहां नीट परीक्षा परिणाम हाईकोर्ट में चुनौती का मामला बन चुका है। जी हां, मामले में आज फिर होगी सुनवाई और गुरुवार को टल गई थी हाईकोर्ट की डबल बेंच में मामले की सुनवाई। भोपाल और जबलपुर के छात्रों ने लगाई है याचिका। याचिका में भाई भतीजावाद का भी आरोप लगाया गया है। याचिका में जमकर भ्रष्टाचार होने का भी आरोप लगाया गया है। तो हाईकोर्ट की याचिका पर आज सुनवाई एक बार फिर से होगी और आपको बता दें, याचिका में जमकर भ्रष्टाचार होने का और भाई भतीजावाद का आरोप लगा है। तो नीट परीक्षा परिणाम में हाईकोर्ट में चुनौती का यह पूरा मामला है। मामले में आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। जबलपुर से खबर बता रहे, गुरुवार को टल गई थी हाईकोर्ट में सुनवाई, आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। आपको बता दें, संजय साहू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। नीट की परीक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी भाई भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। क्या कुछ पूरा मामला, आज फिर सुनवाई होनी है? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से नीट के रिजल्ट आए हैं और नेशनल एंट्रेंस सेंटर जो है उसके खिलाफ ये पूरा मामला सामने आया है, जिसको लेके छात्राओं में जबरदस्त रोष है और हर जगह प्रोटेक्ट हो रहे हैं। उसी के आधार पर ये अब याचिका जो है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जबलपुर प्रिंसिपल बेंच पर लगाई गई थी, जहां पर कल सुनवाई होना थी, लेकिन कल किन्हीं कारणों से सुनवाई चल गई थी और आज उस पर सुनवाई होना है। याचिका में स्पष्ट रूप से आरोप लगे हैं कि जब कट ऑफ मार्क्स जो है वो 717 है, तो 718 और 719 मार्क्स कैसे दिए जा सकते हैं, ये बात सामने आई है। वहीं छात्रों ने आरोप लगाया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भाई भतीजा बात चला है, क्योंकि एक ही कोचिंग सेंटर के छह छात्र जो हैं उनको पास किया गया है। ऐसे तमाम प्रकार के आरोप जो है वे याचिका में लगाए हैं। अब देखना ही होगा कि आज जब सुनवाई होगी तो क्या दलीलें आती हैं। जी देखना होगा सुनवाई के बाद क्या कुछ दलीलें आती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी देने के लिए।